वो एक होती है ना जिद वाली जीत, कि नहीं भाई मेरे को जीत से मतलब है, मुझे तो जीतना है, वो चाहे मैं कैसे ही जीतूं। वो तो मतलब अंग्रेजों को शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव के ऊपर काम किया जाता है, इसीलिए पहला टेस्ट मैच शायद इनको श्रद्धा के स्वरूप में जीतने के लिए दे दिया गया कि भाई पहला तुम जीत लो क्योंकि बाकी में तुम बहुत बुरे पिलने वाले हो। और मतलब एक वाइब चल रही थी ना यार कि विराट कोहली टीम में नहीं है, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, एक यंग टीम है, केएल राहुल भी नहीं है, शामी नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये टीम कहीं इंग्लैंड के सामने कमजोर ना पड़ जाए। लेकिन जो एक बात कही जा रही थी पिछले कुछ समय में विराट कोहली को लेकर कि यार विराट कोहली के बिना तो ये टीम ऐसा लगता है कि यार कुछ कर नहीं पाएगी या एक दूसरे से लग के नहीं खेल पाएगी, इन सभी चीजों का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि इस एक सीरीज में हमको ऑल इन ऑल मिल गया है। और वो ये जवाब है कि इंडिया की जो यंग जनरेशन है, फिर चाहे आप जायसवाल की बात कर लें, गिल की बात कर लें, सरफराज की बात कर लें, आप जुरेल की बात कर लें, इवन पडिकल की बात कर लें, सबके सब ने बिल्कुल मौके पर परफॉर्मेंस दे के बता दिया है कि भाई आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम आकाशदीप की बात करें तो वो भी गलत नहीं होगा, आकाशदीप ने भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और देखिए ये सब चीजें इन टोटल मिलाकर आपको ये बताती हैं कि अगर टीम में आपके पास में रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी हैं और उनके साथ में अगर आप 7-8 यंग खिलाड़ियों को भी रख रहे हो तो फिर ये आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बुमराह, आखिरी दिन बुमराह कप्तानी करते हुए देखे, अगर आप भी इस चीज को देखकर हैरान हुए होंगे तो आपको बता दूं कि रोहित शर्मा को एक पीठ का दर्द उठ गया था जिस कारण से आखिरी दिन वाइस कैप्टन बुमराह को कप्तानी करनी पड़ी। और उसके बारे में भी क्या कहूं, मतलब एक पॉइंट था जब ऐसा लग रहा था कि नहीं यार बेन फोक्स और रूट जो है बलिया जम रहे हैं, बुमराह ने बॉलिंग चेंज किया, खुद को बॉलिंग पर लेके आया और एक के बाद एक ओवर में दोनों को निपटा दिया। ये होता है कॉन्फिडेंस, जब खुद का प्लेयर अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है ना कि यार नहीं भाई मैं किसी भी सिचुएशन से मैच निकाल दूंगा, तब इस तरह की चीजें होती हैं। और वही चीज आज के मैच में भी देखने के लिए मिली। रिकॉर्ड्स की बात तो क्या ही करें, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड बहुत सही था चुना गया, यशस्वी जायसवाल को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कुलदीप यादव को दिया गया। आर अश्विन ने अपने 100 टेस्ट मैच में विकेटों की झड़ी लगा दी, मतलब एक प्लेयर के तौर पर जो खिलाड़ी जो भी कुछ कर सकता था ना वो सब इन्होंने किया। और आज की तारीख में अब आलम यह हो चुका है कि इंडिया का जो विन और लॉस का जो पूरा एक था ना जो बैलेंस हम कहते हैं वो भी बराबर हो गया, कि मतलब इंडिया जितने मैच हारी है उतने ही अब जीत चुकी है टेस्ट मैचेस के लिहाज से। अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग मार्जिन के हिसाब से बात करें, मतलब जो हम लोग रनों के लिहाज से मार्जिन की बात करते हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इंडिया ने एक इनिंग और 64 रनों से इस पूरे मैच को जीता है। इसके अलावा विन लॉस रेशियो की अगर हम बात करें टेस्ट में, तो 2015 से अभी तक सबसे अच्छा रेशियो जा रहा है 2.545 का, ये एक बढ़िया चीज है। विन लॉस के रेशियो की अगर हम बात करें तो इस समय पर 1 का रेशियो चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर आ चुका है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें इंडिया की, तो भैया इंडिया ने टोटल 579 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें से कि इन्होंने 178 जीते हैं और 178 ही हारे हैं। ये रेशियो आने वाले समय में और भी ज्यादा सुधरेगा, इस बात की पूरी प्रॉमिस है। टेस्ट रन बाय विजिटिंग बैटर की बात करें तो यहां पर जो रूट ने 1272 रन बना लिए हैं अब इंडिया में, तो ये इंग्लैंड की तरफ से एक बढ़िया रिकॉर्ड है। इसके ऊपर सिर्फ क्लाइव लॉयड है जो कि इंडिया में 1360 रन बना चुके थे। इसके अलावा हम सबसे ज्यादा अगर 50+ स्कोर्स की बात करें वर्सेस इंडिया की, तो वो भी जो रूट के नाम गया है, 21 हाफ सेंचुरीज हो चुके हैं जो रूट के नाम पे, एक बेहतरीन बल्लेबाज निकल कर आए इंग्लैंड से। बेस्ट मैच रिटर्न्स इन 100 टेस्ट की बात करें, 100 टेस्ट मैच में किसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो अब मुथैया मुरलीधरन के भी ऊपर अश्विन का नाम पहुंच गया है। 9 विकेट लिए 128 रन देकर आर अश्विन ने अपने 100 टेस्ट मैच में। एक विकेट और अगर मिल जाता तो 10 विकेट हॉल हो जाता, लेकिन बस वही है ना, किस्मत को वो शायद मंजूर था नहीं इसलिए वो मिल नहीं पाया। मोस्ट टेस्ट विकेट्स अगेंस्ट अ टीम बाय एन इंडियन बॉलर की बात करें तो वो भी अश्विन के नाम चला गया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अश्विन ने 114 विकेट लिए हैं और इंग्लैंड के भी अगेंस्ट 114 ही विकेट लिए हैं। दोनों ही बहुत स्ट्रांग टीम है और अश्विन का ये रिकॉर्ड वाकई में बहुत बेमिसाल है। सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल्स की बात करें तो अब इस लिस्ट में अश्विन जो है 36 5 विकेट हॉल्स ले चुके हैं और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अनिल कुंबले के 35 5 विकेट हॉल थे, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। बोलर्स विद अ 5 विकेट हॉल इन 100 टेस्ट मैच की बात करें तो ये कारनामा कुंबले जी ने भी किया था, शेन वॉन ने भी किया था, मुरलीधरन ने भी किया था और अश्विन ने किया था। और अश्विन इज द फर्स्ट बॉलर टू बैग अ 5 ऑन हिज डेब्यू एज वेल ऑन 100 टेस्ट, मतलब ये एक अलग ही तरह का रिकॉर्ड। और जितने भी महान बॉलर्स हुए हैं उन सभी का नाम लगभग इस लिस्ट में शामिल है। जायसवाल की अगर हम बात करें तो जायसवाल ने इस एक सीरीज में इतने छक्के मार दिए हैं, मेरे ख्याल 26-27 छक्के जायसवाल ने इस पूरी सीरीज में मारे हैं। इतने पूरे छक्के, मतलब इससे भी कम छक्के सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने पूरे करियर में मारे, तो आप इससे एक मैग्नीट्यूड लगा सकते हो कि भाई किस लेवल पर जाकर ये लोग खेले हैं।
रोहित शर्मा के ऊपर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि यार ये बंदा मतलब खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, कप्तानी के साथ बैटिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट दो सेंचुरीज और एक जो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी आई थी चेजिंग में, ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी और ऐसे टाइम पर आई हुई इनिंग्स थी जब इंडिया को वाकई में जरूरत थी। राजकोट में तो 33 पर 3 विकेट गिर गए थे जब रोहित ने जडेजा के साथ मिलकर 100 की पार्टनरशिप करी थी। तो हर मौके के ऊपर भारत का कोई ना कोई खिलाड़ी खड़ा रहा, बोला कि नहीं भाई मेरे पास ये मौका है और मैं इस मैच में परफॉर्म करके जाऊंगा। और देखिए यही होता है एक एटीट्यूड शो करना कि आप एक प्लेयर के तौर पर कैसा एटीट्यूड कैरी करते हो, कैसा माहौल आपने टीम में बना के रखा हुआ है, किस तरह से हर एक प्लेयर एक दूसरे की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, प्लस सब चाहते हैं कि हर कोई एक बढ़िया परफॉर्मेंस पेश करे, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो, बैटिंग में हो या फील्डिंग में हो। मतलब आप देखिए इंग्लैंड की कल की फील्डिंग कितनी ज्यादा बुरी रही थी, कितने सारे ड्रॉप चांसेस थे, प्लस बाउंड्रीज कितनी ज्यादा लीक करी थी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया था। और देखिए कहीं ना कहीं एज अ प्लेइंग यूनिट इंडिया वाकई में इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो चुकी है कि उसके बारे में अब बाकी टीमों को सोचना पड़ रहा है। हालांकि जायसवाल का आखिरी जो असली टेस्ट होना है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो इसी साल अभी हमारी टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया टूर करने के लिए, तो वहां पर एक असली टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस आज रही है उसके ऊपर कोई बात की ही नहीं जा सकती। मतलब हर प्लेयर ने जिसको जैसे मौका मिला उसने कहा कि भाई साहब हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। इंग्लैंड जैसी टीम को एक इनिंग से हराना वो भी टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन, ये तो ये भी नहीं कह सकते कि भैया इस पिच के ऊपर टर्न बहुत था क्योंकि इनके स्पिनर्स बॉल टर्न नहीं करा पा रहे थे, हमारे स्पिनर्स यहाँ पे आके बैटिंग कर रहे थे। मतलब कुलदीप यादव ने जो इनिंग खेली भले ही छोटी थी बट उसने ये बता दिया कि भाई बंदा बैटिंग कर सकता है। 69 बॉल्स में 30 रन बनाए और बुमराह ने भी 64 बॉल्स में 20 रन बनाए, इन दोनों ने ही मिलकर 20 ओवर खेल लिए थे, तो आप एक अंदाजा बैठा सकते हैं कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया था लोअर डाउन द ऑर्डर। इसी इनिंग में हमारे टॉप के 5 बैटर्स ने 3 ने हाफ सेंचुरी और 2 ने सेंचुरी मारी, ये भी एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन था टॉप ऑर्डर की तरफ से। मतलब कोहली की गैर मौजूदगी में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देना वाकई में बहुत शानदार है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिवर उतना ही, जय हिंद जय भारत।